बेगमपुरा मुर्गकवान टेकरा पर इमान में हुसैनी याद में कलात्मक ताजिया पाछड़ 60 वर्ष थी बनावामां आवे छे। आ वर्षे पण कोविड-19 ना कारणे ताजियाना जुलूस कादवमां आवशे नहीं अने सरकारनी गाइडलाइन मुजब ताजियानी बैठक उपर ज मोहरमनी रीति रिवाज प्रमाणे ठंडा करवामां आवशे। उल्लेखनीय छे कि कोरोनानी संभावित त्रीजी लहેરને કોઈ લઈ આ વર્ષે પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાજિયાની જાહેરમાં ઉજવણી પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે, જેને લઈ કડક પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો। બ્યુરો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। મેરા નામ તુફેલ અહેમદ ગુલામ કાદર શેખ હૈ। કિતને સાલો સે તાજિયા હમ યહાં પે મુરગવાન ટેકરા બેગમપુરા સુરત મેં પિછલે 80 સાલો સે તાજિયા બનાતે આયે और तकरीबन आज हमारा ये 80 साल पूरे हो चुके हैं। इस साल जिस तरीके से यह इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हक के सामने बातिल के लिए जो जंग लड़ी थी और जिससे एक मैसेज पहुंचाया था पूरी उम्मत के लिए, हम उसी को फॉलो करते हुए एक मैसेज समाज को भी देना चाहते हैं कि आप नमाज़ें भी पढ़ो, रोज़े भी रखो और इमाम हुसैन के नाम पर जो अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम ताजियादारी भी करके उनकी याद को जिंदा रखे। सरकार की गाइडलाइन के बारे में आपका क्या? सरकार से की गाइडलाइन के हिसाब से इस साल ताजिया जो भी बना है वो सिर्फ बैठक का है और बैठक के हिसाब से यहीं पे रखा जाएगा और यहीं पे उसको विसर्जन भी किया जाएगा, ठंडा भी किया जाएगा। कोई जुलूस की परमिशन नहीं है तो हम जुलूस काटेंगे नहीं और हम पब्लिक को भी आवाम को भी कहते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से भीड़ भड़का ना करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मोहर्रम एक इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मोहर्रम में हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पूरी उम्मत के लिए एक अपनी कुर्बानी देते हुए और एक ऐसा मैसेज समाज को दिया कि उनके जैसा जस्टिस करने वाला कोई इंसान नहीं है और उन्होंने पूरी उम्मत के लिए अपने आप को कुर्बान करते हुए पूरी उम्मत को एक मैसेज दिया कि तुम भी लोगों का भला करो और लोगों के साथ उनकी सेवा करो, उनके मदद करते रहो। बस ये मैसेज उनका है और हम ये मैसेज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मोहम्मद अशफाक, ये ताजिया कब से बन रहा है और ये किस नाम से बन रहा है? ये ताजिया 1980 से बन रहा है और बेगमपुरा मुरगवान टेकरे में मिनी हुसैनी मंडल के नाम से बन रहा है। और ये कितने साल से बनाते जा रहे हैं? ये 1980 से बन रहा है। 20 साल। कितने दिन में तैयार करते हैं अभी ताजिया को? ये ताजिया समझो 15-20 दिन पूरा लग जाता है, यानी बकरा ईद के बाद 3-4 दिन के बाद जो काम स्टार्ट होता है तो साथ मुहर्रम के 7वें चांद तक मुकम्मल हो जाता है। और ये ताजिया अभी के जो बनाया बैठक का, तो ये कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया? जी बिल्कुल, हर बार मतलब ऐसा रहता है ताजिया ज़्यादा ही रहता है, बाहर भी निकलते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। इस बार कोविड गाइडलाइन के हिसाब से ताजिया मतलब छोटा भी बनाए, रोज़े ही बनाए, मतलब समझो छोटे छोटे रोज़े ही बनाए। बाकी हर साल तो ताजिया बड़े ही रहते हैं लेकिन 2 साल से सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से काम चलता है, छोटा ही काम करते हैं और ऐसा रखते हैं कि ज़्यादा ये भी ना हो और जुलूस का भी बिल्कुल ये नहीं रहेगा। और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए, जिन लोगों ने शहादत दी, अब उन हक के लिए लड़े, जिनकी वजह से अपना इस्लाम जिंदा है और आगे भी इंशाल्लाह जिंदा रहेगा, तो कम से कम उनकी याद में अगर कुछ ना कर सके तो ताजियादारी करके कम से कम उनको याद करके ये त्यौहार को मनाए और सबसे ज़्यादा खास नमाज़ पढ़े। नमाज इससे ज़्यादा भी ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि सिर्फ ताजियादारी करते रहो नमाज़ छूट जाए। वो लड़े ही नमाज़ के लिए है, अपना मेन मकसद ही नमाज था। नमाज़ पढ़े, नमाज़ कायम करे और उसके साथ इसके लिए भी टाइम निकाल के ताजियादारी के लिए भी वक्त निकाले। और ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके साथ ताजिया का विसर्जन यहीं पे करोगे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बताया है कि जुलूस नहीं निकलने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये यही थानक पे इंशाल्लाह ताजिया भी यहीं ठंडा कर देंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा।